तो आज हम कोई रेसिपी नहीं लेकर आए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं चूहे की भगाने वाली दवा। ऐसे तो मार्केट में चूहे को मारने वाली बहुत ही दवा मिल जाती है दोस्तों, पर चूहे को मारना नहीं चाहिए ऐसे बड़े लोग कहते हैं। पर हम आज ऐसा दवा बनाएंगे ना जो चूहे को घर से एकदम दूरों दूर भगा देगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, चूहे आपके घर आना मतलब रास्ता ही भूल जाएगा। तो आप इस तरह से मतलब जहाँ जहाँ ऐसा देख रहे हैं ना कि चूहा वहाँ वहाँ पे आता है, आप वहाँ वहाँ पे ये जो मैं ये बता रही हूँ ना वो डाल दीजिएगा, फिर चूहा आपके घर पे नहीं आएगा। तो आप एक बार ये टिप्स जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, मिनटों में बनके तैयार हो जाता है एकदम कम खर्चा में। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे खर्चा करना पड़ेगा तब ये दवा बनके तैयार होगा। तो इसके लिए क्या करना है, जब वो तंबाकू आता है ना वो हमें तंबाकू लेना है। तो हमने एक पैक तंबाकू लिया है दोस्तों, और यहाँ पर डालेंगे देसी घी। तो हम यहाँ पे देसी घी का प्रयोग करेंगे दोस्तों, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, पर क्या होता है ना देसी घी से ऐसा होता है ना कि दूर से ही सुगंध आने लगता है। तो आप चाहे मतलब आप कोशिश कीजिएगा ना कि देसी घी का ही प्रयोग करें, क्योंकि देसी घी से क्या होता है ना सुगंध दूर से ही आने लगता है। तो मतलब चूहा वहाँ पर नहीं भी जाता है ना, फिर भी वो भाग भाग कर वहाँ पर आएगा जहाँ पर आप दवा डालिएगा। तो इसलिए आप देसी घी का ही प्रयोग कीजिएगा। तो चलिए हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच बेसन। तो आप बेसन के जगह पे आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो चलिए हम 1 बड़े चम्मच बेसन ऐड कर देते हैं और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर और भी कुछ नहीं ऐड करेंगे दोस्तों, बस ये 3 चीज़ से ये गोली हमारा बन के तैयार हो जाएगा, मतलब ये चूहे की दवा। तो आप चूहे की लड्डू भी बोल सकते हैं, एकदम लड्डू के शेप जैसा बनेगा दोस्तों, वो भी प्योर घी में बन के तैयार होगा, जो कि चूहे खाने के बाद एकदम बेहोश हो जाएगा, और अगर बाहर चल जाएगा ना तो वो घर का रास्ता ही भूल जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपके घर में चूहे एकदम कपड़े बर्बाद कर रहे हैं ना, मतलब बहुत सारे चीज़ बर्बाद कर देते हैं दोस्तों, तो आप एक बार ये ज़रूर टिप्स अपनाइएगा। क्योंकि आप जब भी मार्केट से लाते हैं ना वो क्या होता है चूहे की मारने वाली दवा होती है। तो चूहे की मारना तो बुरी बात है दोस्तों, हम मानते हैं नहीं मारना चाहिए, पर इस तरह से हम भगा तो सकते हैं ना, घर के कुछ इंग्रेडिएंट्स इस तरह से बनाकर हम भगा तो सकते हैं ना, तो बस ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। और ये देखिए मतलब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके छोटे छोटे बॉल्स बना लेना है। और ये देखिए हमने छोटे छोटे बॉल्स बना लिया, और ये देखिए बस इतना ही छोटा शेप देना है। तो पता है ये बनाने के लिए हमारी दादी बताए थे दोस्तों, मतलब जब भी हम गांव जाते थे ना तो मतलब ये गोली कहीं कहीं पे डाला रहता था, तो हम उनसे पूछते थे कि ये क्यों डालते हो, तो वो बोलते थे कि मतलब चूहे आता है ना घर पे, मतलब कुछ बर्बाद कर रहा है ना वहाँ पे डाल दो तो वो चूहे मतलब घर से बाहर चला जाता है। तो हमने सोचा क्यों नहीं ये आप लोग के साथ शेयर किया जाए, तो इसलिए हमने आप लोग के साथ शेयर किया। तो मतलब जहाँ जहाँ पे चूहा आता है ना, आपको ये तो पता ही होगा दोस्तों कि कहाँ कहाँ पे चूहा आता है, हमारे घर का मतलब नक्शा ही बिगाड़ के चला जाता है, तो आप वहाँ वहाँ पे डाल दीजिएगा। तो चलिए हम इसे अभी ही डाल देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे घर में चूहे बहुत ही ज़्यादा बर्बादी कर रहा है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर बुक रखते हैं और एकदम कुतर देता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम डालेंगे और चूहा खाएगा और छू मंतर हो जाएगा, मतलब घर से बाहर चला जाएगा। तो आप भी एक बार ये टिप जरूर अपनाइए दोस्तों, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।